एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बज गया है 9:30 और शिंगर शेफान कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना था और मार्केट से आते मुझे थोड़ा लेट हो गया। सो ये देखिएगा शेफान को, शेफान क्या कर रहे हैं, शेफान तुम क्या कर रहे हो? बुक निकाल रहे हैं। सो इधर दिखाओ, ये वाला मेरे, ये वाला जो बुक निकालना वो नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए दोस्तों निकाल के देख रहा हूँ। तो दोस्तों को करो हाय। हाय। तो ये देखिएगा जाड़ा में सैफान को गर्मी छटक रहा है। सैफान अपने पूरे पैरों को खोल करके रखा है, असल में पहना है वो फुल पैंट, ट्रैक पैंट पहना है। तभी भी जो हमारी शेफरीना इमरान को लगी है भूख, जो शिमरा शेफान पढ़ाई कर रहे हैं तो शेफरीना के पीछे रहेगी। तो आप देख रहे हैं उसके हाथ में एक पेंसिल है, वो पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए पूरा लंबा है, सैफान का शर्ट छोटा है लेकिन सैफान का पैंट लंबा है। और ये देखिएगा शिमरा, शिमरा आज बहुत बिजी है क्योंकि शिमरा को जो मैं मार्केट गई तो उसको देखने वाला कोई नहीं था, अगर कोई बोलेगा नहीं तो वो पढ़ेगी नहीं। जब मैं बैठाई हूँ तो काफ़ी लेट हो गया, तब तक उन लोगों को खाना भी नहीं मिला है। तो चलते हैं देखते हैं आज क्या बना है किचन में, क्या है हमारे लिए रात का डिनर में। तो घर तो हमारा क्लीन है माशाल्लाह। और ये शिमरा शेफान का बुक निकला है, तो ये पेपर कॉपी पेंसिल आपको इधर उधर ज़रूर मिलेगा। और इधर बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा है क्योंकि इधर कोई है ही नहीं हमारे घर में, और हम जाने वाले हैं कल। ये देखिएगा ये रूम काफ़ी सन्नाटा है, क्यों? क्योंकि ये रूम को मैं बंद करके रखी थी। ये आप देख रहे हैं सारा कपड़ा बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये जो है ना शेफरीना, ये हम शेफरीना के लिए निकाले हैं, ये ठंडी का है और अभी यहाँ पर ठंडी पड़ने लगी है। और इधर टोपी निकला हुआ, इधर बैग रेडी है, उधर शॉल रेडी है, उधर पर्स रेडी है, ये सब हम लोग रेडी रखे क्योंकि कल मॉर्निंग में हम लोग जा रहे हैं रांची अपनी रिलेशन की शादी में अटेंड करने के लिए। तो हम लोग इंशाल्लाह कल बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँ, तो देखती हूँ जैसा रहेगा वैसा ही करती हूँ। तो मैं ये ब्लू कलर का गरारा पहनने वाली हूँ जो कि बहुत ही प्रिटी है। और वैसे तो मेरे पास बहुत सारा इयररिंग था लेकिन मैंने स्पेशली कुछ मंगवाया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिएगा आज शाम में मैं अपने हस्बैंड को ऑर्डर करके ये मंगवाई हूँ। मैंने कहा कि मुझे नेवी ब्लू कलर का चाहिए था। तो आप मुझे कमेंट्स में, वन मिनट मुझे दिखा नहीं पा रही हूँ मैं कैमरा से प्रॉपरली, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये कान का। आपको अच्छा लगा ना ये कान का? मुझे तो बहुत प्यारा लगा क्योंकि मैं जब पहनी तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये कल मैं उस ड्रेस के साथ मैच पहनने वाली हूँ। और शेफान का तो वही सिंपल रहेगा, उसको मैं कि स्वेटर टाइप का दे दी हूँ कि वो स्वेटर टाइप का पहनेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। आई थिंक मैं उसको ना बैग में पैक करके रखी हूँ ताकि मुझे सुबह में ज़्यादा टेंशन ना हो खोजने में, वह काफ़ी ठंड रहती है। और इधर देखिएगा ऊपर हमारा जो शूज़ वूज़ है सब ऊपर रखते हैं क्योंकि ऊपर वाला रूम जो ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारा फैमिली बहुत छोटा है और हमारा घर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा ही है, हम फैमिली के हिसाब से बड़ा है। तो ये देखिएगा ये आई थिंक वो शिमरा का है, ये शेफान का है। शेफान को अभी दो ऑप्शंस निकाल के रखा है कि मुझे ये पहनना है मम्मी, ये बूट मिल गया है और भी बहुत सारा उसका पता है, और मैं ये सिंपल से जूती पहनने वाली हूँ। ये देखिएगा डिनर में तो आज हमारा गोभी आलू की सब्ज़ी है और इसमें है हमारा दाल, बहुत यमी दाल है, भुना हुआ दाल है, गाढ़ा करके बना हुआ है, बहुत यमी लगता है। और ये थोड़ा सा नॉन वेज है जो हम लोग आज रात में डिनर में लेने वाले हैं क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हम हैं और शिमरा के डैड है और मेरी अम्मी है, जो वो हम लोग खाते हैं ज़्यादातर सब्ज़ी। अदरवाइज़ शिमरा है, शेफान है और शेफरीना है, ये लोग को तो मीन्स दूध से ही चाहिए और अंडा ही चाहिए, तो वो लोग का टेंशन नहीं होता सब्ज़ी का, ये लोग अभी खाने नहीं सीखे, अभी ये लोग बहुत छोटे हैं। ये देखिएगा आटा सान के बिल्कुल रेडी है, तो मुझे स्टार्ट करना होगा रोटी बनाना। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लूँ और उसके बाद मैं कुछ करती हूँ क्योंकि आज का कुछ भी व्लॉग नहीं बना है। और मैं सोच रही हूँ कि कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रास्ता का व्यू लूँ कि कैसा था व्यू और क्या था, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि शेफरीना को लेके वीडियो बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हाय शेफान, तुम कुछ कहना चाहते हो? आज हम लोग का स्कूल है मेरे ये वाला हुआ है। तो ये देखिएगा शेफान का स्कूल में मीन्स ही शी इट का यूज़ हुआ है ना, वो तुम बोलो ना मम्मी ही सी इट का यूज़ हुआ है। और शेफान तो फटाफट आंसर देने वाला है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शेफान
योर मदर, मदर में क्या यूज करोगे? मदर में सी। एंड शैफान में क्या यूज करोगे? शैफान में क्या यूज करोगे? ही। फादर में क्या यूज करोगे? फादर नहीं। और शिमरा में क्या यूज करोगे? सी। सिस्टर में क्या यूज करोगे? सी। और तुम्हारे हाथ में क्या है बेटा? ये पेंसिल। तो तुम पेंसिल में क्या यूज करने वाले हो? तो तुम यूज क्या करने वाले हो बेटा, वो तो बताओ। मैं यूज ऑफ ही शी इट पूछ रही हूँ। तो तुम पेंसिल के लिए क्या यूज करने वाले हो? पेंसिल के लिए इट। वेरी गुड। और जहाँ तुम कहाँ बैठे हो बेटा? ये है बेड। बेड, बेड पे तुम क्या यूज करने वाले हो? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शैफान को बिल्कुल भी समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं शैफान इज बीइंग वेरी हैंडसम। हैंडसम तो है ही ऑलरेडी, माशाल्लाह ब्रिलियंट भी होते जा रहा है शैफान। वेरी गुड शैफान, इसी तरह पढ़ो। और शैफरीना को भी पढ़ाओ। ये देखिए शैफरीना अपना काम में लगी हुई है, वो सारा पेंसिल कलेक्ट करने में रहती है। शैफरीना, शैफरीना तीत दिखाओ, शैफरीना अपना तीत दिखाओ। शैफरीना ता करो, ता 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 देखो शैफरीना का ता देखो। और माशाल्लाह शैफरीना भी थोड़ा टोपी लगा के रहना सीख गई। ये वाला कलर हो गया था, हम नहीं करें। क्यों नहीं करा बेटा? मेरे पास कलर नहीं था, हम कलर लाने भूल गए। ओ फिर बेटा कुछ फनी मोमेंट बताओ ना स्कूल का। और ये भी हो गया। अच्छा क्या हो गया? और ये उस दिन हम ना जिस दिन ये मनी पागल है। शैफान टेल मी, शैफान मुझे ये बताओ कुछ फनी मोमेंट बताओ ना स्कूल का, जो मजा आता है सुन करके। फनी मोमेंट? हाँ स्कूल में फनी मोमेंट कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? ये बना ठीक करने। तो ये देखिए शैफान सैफरीना को टूटा फूटा खिलौना ठीक करने वाली है। और सैफरीना क्या है, जहाँ तहाँ उसका पैजामा गिरे रहता है, उठा उठा के लाती है। सैफरीना देखिए देखिए। अच्छा शैफान तुम अपना जादू तो दिखाओ दोस्तों को, अपना जादू तो दिखाओ। कैसे दिखाते हो? शैफान का जो मंत्र है ना, बड़ा मस्त मंत्र है, अगर आप सुनेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो शिमरा हाउ आर यू, कैसा लगा तुम्हें कल का बर्थडे में? मजा है। तो शिमरा को मजा क्यों नहीं आया तुम्हारी? बहुत मजा आया। हाँ क्योंकि देखिए कैसे कौवा का जैसे चिल्ला रही है। कैसा कौवा का जैसे? कौवा कैसे चिल्लाता है? सही बोला, सही बोला, बिल्कुल कौवे का जैसा ही चिल्ला। हाँ तो शिमरा मुझे ये बताओ कि कल वहाँ नाश्ता में तुम क्या एंजॉय की थी? हाँ तो शिमरा तुम क्या एंजॉय की थी कल नाश्ता वास्ते? क्या मिला था? बहुत कुछ मिला था। क्या क्या मिला शिमरा? बिस्किट, सिंघारा, किट कैट, केक। तो मजा ही आ गया क्योंकि अभी कल परसों भी मैं अजहर को दी थी पैसा कि जाओ सिंगाड़ा लेके आओ, तो अजहर समोसा लेकर आ गया। तो मेरा मन बहुत कर रहा है सिंगाड़ा खाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खा ही नहीं पा रहे। लेकिन हम सोच के रहे कि कल हम खा ही लेंगे क्योंकि हम जा रहे हैं रांची और वहाँ पर हम लोग को रुकने हैं पंचवटी में ना सिमरा, नाश्ता के लिए हम लोग पंचवटी में रुकने वाले हैं और वहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता इंजॉय करेंगे। आलू का पराठा नहीं आंटी, हम लोग को सिंपल नाश्ता स्टार्ट करना है बिकॉज बहुत मन नहीं, हम लोग आने टाइम खा लेंगे ना, क्योंकि क्योंकि हम लोग वहाँ पर जाके लंच भी तो इंजॉय करना है, अदरवाइज हमारा पेट ही भर जाएगा तो हम लोग क्या इंजॉय करेंगे? लंच में बहुत कुछ है ना, लंच में बहुत कुछ। और हम सोच रहे हैं वहाँ पर से ना अगर ड्राई चिकन वगैरह हम थोड़ा पार्सल ले लेंगे, हम सोचेंगे कि शाम में खाना, इसलिए हमको मन कर रहा है बहुत ज़्यादा ड्राई चिकन और चिकन चिल्ली खाने का, और हम वो बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है। शैफान तुम शैफरीना को दे दो, तो शैफरीना को चाहिए खिलौना। जब शैफान पढ़ता है तो उसको चाहिए पेंसिल कॉपी बुक, और जब शैफान खेलता है तो इसको चाहिए खिलौना। बस सिमरा और शैफान का यही होता है ना शैफान? तो शैफान मजा आ रहा है तुम्हें खेलने में? तुम मुझे बताओ कैसा लगा था बेटा कल का? मजा आया था बेटा? तो देख रहे शैफरीना का खिलखिलाहट देखिए, माशाल्लाह बड़ा मस्त हंसती है। शैफान एक ही साइड उसको दौड़ाओ, इधर उधर होगी तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। एक ही साइड उसको दौड़ाओ।
वाह माशाल्लाह कितना प्यारा हंसरी मेरी बाबू। अरे जजिया शफन देखो ना वो क्या बोली, क्या चाहिए बेटा? अरे जजिया उसका लैंग्वेज तो बड़ा मस्त है ना। जजिया ये मुझे चाहिए नहीं बोलेगी, ये जजिया। अरे शफन सीधा बात बोली। तो शफन इसका लैंग्वेज तुम्हें अच्छा लगता है कि मम्मा का लैंग्वेज अच्छा लगता है? नहीं बेटा उसका बहुत प्यारा लगता है, मम्मा को तो क्लियर क्लियर बोला। आप एक बार बोलो ना क्या अपना लैंग्वेज बोलो ना। क्या लैंग्वेज बेटा कौन सा? लेकिन मम्मी शफीना का लैंग्वेज सही होगा, मस्त लगता है यार, रियली में बहुत मजा आता है क्योंकि वो कुछ भी बोलती है बहुत प्यारा लगता है उसके मुंह से सुनना। मम्मा भाई देख ही नहीं पाऊंगी। ओह द सिमरा इज वेरी बिजी बिकॉज वो मैथ्स बना रही है। क्या है सिमरा मैथ्स में? पता नहीं डब्बा गोल है पूरा। डब्बा गोल आई नो शिमरा योर व्हाट आर यू सेइंग डोंट से शिमरा बोली मैथ में वो डब्बा गोल होती जा रही है, लेकिन मैथ्स में तो इंसान को ब्रिलियंट होना चाहिए। शेफी अंदर नहीं डालो बेटा। तो शेफरीना को हो रहा है ब्रश वो भी पेंसिल से। अरे शेफरीना और शफान जरा मुझे ये बताओ कि कल तुमने कौन सा डांस किया था और कैसा किया था, जरा हमको दिखाओ करके। करा था मम्मी ऐसे ऐसे। बेटा कर दिखा दिखा दे मम्मी। शफान दिखाओ जरा मुझे देखना है। दिखाओ ना बेटा। शफान जिस तरह से पढ़ाई में ब्रिलियंट है वो डांस में खेल में सब में ब्रिलियंट है वो। यस। ये क्या हो रहा है बेटा? गुड्डी उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है क्या? अच्छा चलो उठो जादू दिखाओ, अपना मंत्र हमको सुनाओ तो बेटा पब्लिक को, कैसा मंत्र होता है तुम्हारा? शफान और जादू करने तुम किससे सीखे हो वो भी बताओ। हाथ में ये पेपर अब इसको ऐसे कर ले और अब बोले कौन सा हाथ में पेपर रहा? ये वाला हाथ में पेपर रहा ना। हाँ तो नहीं शफान तुम मुझे उसका मंत्र भी पढ़ के बताओ। तुम तुम्हारा मंत्र मुझे पसंद है, वो मंत्र भी सुनना है मुझे। तो दूसरा दिखाओ बेटा मैजिक तो दिखाओ जादू जो अंदर अंदर जादू होना तो हो जाता है काले पत्थर पत्थर पर है जादू कोना में मुंह में लगते ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाउस का जैसा बन रहा है नगर। हाँ देखिए हाउस का जैसा छज्जे का जैसा बन रहा है ना। हाँ मेरा जादू तो गैप कहाँ हुआ रुमाल? रुमाल गाइड नहीं कर सकते थे, हाउस हाउस का वाला बना दिया। ओहो तो आप देखे शेफ शेफान ने एक रुमाल से हाउस के जैसा बना दिया। दैट मीन्स शेफान का जो अंतर मंतर जादू कलंतर और का था बाबू काला पंतर 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 जो इसका मंतर है वो वायरल हो जाएगा इंशाल्लाह, बड़ा मजा आएगा हम लोग को। तो शिमरा तुम भी कुछ जादू दिखाने वाली हो? देखिए एक सिंपल पेन है ठीक है, अब अपने यहाँ पर हाथ रखे ठीक है, अब हम इसको खा लेते हैं। हाँ सिमरा को आजकल खाना नहीं मिल रहा तो आज वो पेन पेंसिल रेजर खा रही है और पेट भर रही है। देखिए सिमरा खा दी, वाह वेरी गुड। तो सिमरा तुम्हारा कोई मंत्र है? हाँ क्या? अंतर मंत्र जालू का दंदर मैं हूँ बंदर। How bad mantar is it? How bad Shafan? ऐसा होता है शफान कोई मंत्र? तो ये देखिएगा शफान अब से शिमरा वाला जादू स्टार्ट किया करना। अरे वाह क्या जादू! शफान पीछे फेंक दिया। नहीं फेंके है ये भी अपना पीछे बाल में टकरा ली थी। बोलना नहीं किसी का जादू को डिस्क्लोज नहीं करना है ठीक है। हाँ तो शफान तुम अपना पूरा लुक दिखाओ ना, पीछे जाओ शफान, उधर जाओ शफान, उधर जाओ आगे जाओ उधर जाओ, तुम्हारा लुक देखे वाह 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 बड़ा मस्त लुक है शफान। कुछ कहना चाहते हो दोस्तों से? कुछ कहना चाहते हो? तो ये देखिएगा शफान अपना
सैफरीना भी गई है डांस करने के लिए। अब सैफान के लिए देखिए, सैफान का जो डांस है ना एकदम सलमान खान फेल है उसके डांस में, आई थिंक सो। तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग अपना व्लॉग बंद करते हैं, क्योंकि मुझे जाना है अभी रोटी बनाना है, रोटी बना करके सारे बच्चों को देना है और फिर जा करके। शैवान क्या कर रहे हो? जादू। ये क्या जादू हो रहा है? मुझे लग रहा है कुछ पगला पंती चालू हो गया है तुम्हें। तो शैवान का जादू चलता रहेगा, शरारती चलती रहेगी, बदमाशी चलती रहेगी। और शैफरीना का तो ये कौन सा बुक है? ये वह बख्शिट है, हिंदी बुक बोली। और हम ना इसको ना जादू से ना बना देंगे। ठीक है जा, चालू करें। नहीं नहीं बंद बंद, ठीक है। मम्मा देखने, नहीं नहीं बंद करना। ये कौन सा बुक है? ये हिंदी का बुक है, अंतर अंतर जादू बनंतर हो जा तू पागल बनतर। ओह माय गॉड, इट्स रियली वेरी मैजिक शैफान, सच में तुझे मैजिक आता है। इस बच्चे के साथ तुम कुछ मैजिक कर सकते हो? ना, इस बच्चे के साथ सिर्फ लास्ट वाला। हाँ, हम कर सकते हैं। ये इसको हम लोग बना सकते हैं वाइट। अंतर मंतर जादू गलत हो जा तू पागल पर पागल, थोड़ा सा यहाँ पर पिंग रहेगा, ठीक है। अंतर मंतर जादू मंतर हो जाए तू पागल बंदर हो जाए, बंदर की फोन बना से कंदर। अरे वाह, वेरी नाइस ब्लॉग, वेरी नाइस। जो मैजिक हुआ है, जादू हुआ है, वो शैफरीना का टोपी जो है सैफान के टोपी में बदल गया है, तो बड़ा मजा आ गया आज का ब्लॉग में। मम्मी मेरा भी एक टोपी दिखाइए ना, देखिए ये वाला टोपी बिल्कुल खाली है, देख लीजिए आप लोग। अभी देखिएगा मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है और ये टोपी भी बिल्कुल खाली है। अब देखिए, इसके बाद हम अम्ब्रम ब्रम ब्रम, क्या सामान है? जरूर समझदार। अड़म ब्रम ड्रम ड्रम अड़म ड्रम ब्रम ब्रम। तो ये देखिए सिमरन ने निकाल दिया टूटा ऐसा पेंसिल, ये उसका जादू था टूटा पेंसिल के साथ। और ये हम लोग व्लॉग आज खत्म करते हैं, सिमरा करो बाय। सपन बाबू को गिरा देगा। Go!